स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज का अपना टॉपिक है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वास्तव में दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तटों के मानचित्रों का निर्माण होने के बाद से उनको देखकर भूवैज्ञानिकों को महाद्वीपीय विस्थापन की परिकल्पना सूझने लगी। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वास्तव में बहुत पुराना है। सबसे पहले 1620 में फ्रांसिस बेकन ने इस विषय में अपने विचार प्रकाशित किए। 1658 में फ्रांसीसी विद्वान एफ प्लेसर ने यह विचार रखा कि नई दुनिया और पुरानी दुनिया एक बाढ़ के बाद अलग हुई। 1800 में हम्बोल्ट ने यह विचार रखा कि अटलांटिक एक महान नदी घाटी था जिसके तटों को उस महान बाढ़ ने अलग किया था जिसमें नूह की नाव का बेड़ा चला था। 1858 में स्नाइडर ने महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद 1908 में एफ जी टेलर ने इस विषय में अपने विचार व्यक्त किए, परंतु उस समय ये लोग अपने विचारों को कोई स्पष्ट रूप नहीं दे सके थे। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को स्पष्ट रूप देने का कार्य वेगनर महोदय का है। वेगनर महोदय ने 1912 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने ये बताया कि आरंभ में पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप के रूप में थे। ये आपस में मिले हुए थे जो बाद में खंडित होकर वर्तमान महाद्वीप और महासागरों का रूप धारण कर गए। इस विशाल महाद्वीप को वेगनर ने पेंजिया नाम दिया जिसका अर्थ यूनानी भाषा में है समस्त पृथ्वी। पेंजिया के विभाजित होने पर महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। उन्होंने अपनी संकल्पना को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। महाद्वीपीय विस्थापन की परिकल्पना पर गहराई से विचार तब शुरू हुआ जब 1924 में वेगनर की पुस्तक का जर्मन भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद छपा। वेगनर की इस परिकल्पना का सारांश यह था कि एक समय में पृथ्वी पर सभी महाद्वीप मिलकर पेंजिया के रूप में थे। मेसोजोइक महाकल्प में इस सुपर महाद्वीप का विखंडन आरंभ हुआ। बहुत ही धीमी गति से ये महाद्वीप एक दूसरे से विभक्त होते गए और अपनी वर्तमान स्थिति में आ गए। वेगनर ने महाद्वीपों और महासागरों की वर्तमान आकृति के निर्माण का कारण महाद्वीपीय विस्थापन को ही बताया। उसने पृथ्वी के महाद्वीपों की स्थिति को तीन विभिन्न युगों में विभिन्न मानचित्रों के द्वारा दर्शाया था। उनके ये तीन युग थे कार्बोनिफेरस युग, इओसीन युग और आरंभिक प्लीस्टोसीन युग। वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत के पक्ष में अनेक प्रमाण भी दिए हैं। जैसे वेगनर ने यह बताया है कि अंडमान सागर के दोनों ओर के महाद्वीपों के तट अपनी रचना में समान हैं, इससे इनका अलग होना सिद्ध होता है। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट का आगे निकला हुआ भाग और अफ्रीका के पश्चिमी तट वाला भाग भली प्रकार से सटाया जा सकता है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और पश्चिमी यूरोप के तट से भली भांति मिलाया जा सकता है। अंडमान सागर के दोनों तटों पर पाई जाने वाली वनस्पति और जीवों के अवशेष आदि में आज भी समानता पाई जाती है, इससे इनका अलग होना स्पष्ट होता है। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट की चट्टाने एक सी हैं, इससे भी इनका अलग होना स्पष्ट होता है। यूरोप में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिन्हें लेमिंग कहते हैं, जो ऋतु विशेष में पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं। पश्चिम की ओर बहुत दूर पहुंचकर ये अंडमान सागर के तट पर पहुंच जाते हैं और इसी में कूदकर अपनी आत्माहुति दे देते हैं। इन जीवों के इस प्रकार के आचरण से ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जीव किसी ऐसे भूखंड की ओर जाना चाहते हैं जिससे इनके पूर्वज परिचित थे, लेकिन अब वो भूखंड वहाँ नहीं है। अतः इन जीवों का की लीला उस प्रयत्न में ही समुद्र में ही समाप्त हो जाती है जबकि उत्तरी अमेरिका और यूरोप आपस में जुड़े हुए थे। उस समय ये जीव
ऋतु विशेष में यूरोप से उत्तरी अमेरिका को चले जाते थे। आज भी ये देखा जाता है कि कई भारतीय पक्षी ऋतु विशेष में हिमालय की ओर चले जाते हैं। प्राचीन युग में दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के कुछ भाग हिम से ढके हुए थे, जिनके चिन्ह आज भी इन महाद्वीपों में पाए जाते हैं। इससे भी इनका अलग होना स्पष्ट होता है, क्योंकि ऐसा होना तभी संभव है जब संपूर्ण स्थल भाग पेंजिया के रूप में रहा हो। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में मेसासोर नाम की मछली के अवशेष मिलते हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि दोनों महाद्वीप किसी समय आपस में जुड़े हुए थे। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के भागों में समान वनस्पति और जीवों के अवशेष भी मिलते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने का प्रयास किया, वैगनर महोदय ने। लेकिन उनकी कई विद्वानों ने आलोचना भी की, जैसे कि वैगनर महोदय की यह बात हर जगह लागू नहीं होती कि समस्त महाद्वीपों को आसानी से मिलाया जा सकता है। अंडमान सागर के संपूर्ण तटों को भली भांति नहीं मिलाया जा सकता। वैगनर ने यह नहीं बताया कि महाद्वीप किस तिथि को किस दिशा में प्रवाहित हुए। अंडमान सागर के मध्य में एक अंत्य समुद्री कटक पाई जाती है। यदि अमेरिका का पूर्वी तट यूरोप और अफ्रीका का आपस में मिला हुआ बताया जाता है, तो फिर ये कटक कहाँ थी? वैगनर का कहना है कि महाद्वीपों का पश्चिम की ओर विस्थापन ज्वारीय शक्ति के द्वारा हुआ, किंतु महाद्वीपों का विस्थापन केवल ऐसी ज्वारीय शक्तियों के द्वारा ही हो सकता है जो वर्तमान ज्वारीय शक्ति से 1,000 करोड़ गुना अधिक हो। प्रथम तो यह नितांत ही असंभव है, और यदि इसे संभव मान भी लिया जाए तो इससे पृथ्वी का परिभ्रमण ही बंद हो जाएगा। इस प्रकार से वैगनर महोदय के सिद्धांत की कुछ विद्वानों ने आलोचना भी की, लेकिन फिर भी ये सिद्धांत भूगोल में अमूल्य निधि है। इस प्रकार से आज हमने वैगनर महोदय के सिद्धांत, उसके पक्ष में प्रमाण और आलोचना का अध्ययन किया। धन्यवाद।